माँ सर्वेश्वरी तुम पाही माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, में पंडित देवेश पंडा शास्त्री ज्योतिषाचार्य तंत्र विशेषज्ञ। मित्रों, आज आपको एक ऐसा अद्भुत और सरल प्रयोग बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी किस्मत और आपके भाग्य को बदलने में आपका सहायक बन सकता है। हमने अक्सर देखा है कि कई वृक्ष में जो फल लगे रहते हैं उसको पक्षी लोग थोड़ा बहुत खा चुके रहते हैं, कुतर दिए रहते हैं। हमें ऐसी फल की जरूरत है इस प्रयोग को करने के लिए। इस प्रयोग को बताने से पूर्व आप लोगों से एक आग्रह करूंगा छोटी से कि जो भी मेरे चैनल पर नया आया है, कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा हूं, आपको जानकारियां प्रेषित कर रहा हूं। कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें जिससे कि वीडियो में और सुधार लेके आ पाऊं। अब आप देखिए कि आपको एक ऐसे फल की जरूरत है जो पेड़ पर लगा हो और जिसे पहले ही पक्षी थोड़ा बहुत खा चुके हों। खोजेंगे बहुत आसानी से मिल भी जाएगा, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी बगीचे में चले जाइए जहाँ पे काफी फल हो, किसी न किसी फल को आप देखिएगा पक्षी चोंच मार के थोड़ा बहुत खा चुका होगा। ऐसा फल अपने हाथ से तोड़ के लेके आ जाइए। लाने के बाद इसे अच्छे से साफ कर लीजिए, धो लीजिए और पूजा रूम में बैठ के पहले एक लाल कपड़े का आसन समान छोटा सा बिछाइए। उसके ऊपर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, कागज में लिख के इस फल को रख दीजिए और पोटली बना लीजिए। पहले आपको लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर उस कागज को रखना है जिसमें आपकी मनोकामना रखी हुई है। उसके बाद उस फल को रखना है जिसे चिड़िया ने पहले से खाया हुआ है, जिसे आपने स्वयं अपने हाथों से तोड़ के लाया है, उसको रख के इसको बांध देना है लाल कपड़े से, पोटली से बना लेना है। और उसको माता लक्ष्मी के चरणों के पास, यदि आपके यहाँ मूर्ति है या फोटो है जो भी है, उनके चरणों के समक्ष रख के आपकी जो मनोकामना है फिर से एक बार दोहरा दीजिए। और कई बार हमने देखा है कि 24 घंटे में ही मनोकामना पूरी हो गई है। इतना सरल उपाय है कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत सटीक है। तो इसके साथ में ही आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।